मैं डॉक्टर नीरज गेचोड़े, जनरल सर्जन बाय प्रोफेशन, बट मेरा फेलोशिप हुआ है नॉन इन्वेजिव कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी में। सर, बात की जाए आपके इस क्लिनिक की, तो मुंबई में ऑलरेडी सक्सेस, हायर सक्सेस से आपका एक चरण नागपुर में हाल ही अक्टूबर महीने में आपने इसको शुरुआत किया है, क्या कहेंगे? देखिए, ये जो मैं कंसेप्ट नागपुर में लाया हूँ, ये कंसेप्ट ऑलरेडी मेट्रोपॉलिटन सिटीज जो है लाइक मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, यहाँ पे वेरी वेल एस्टेब्लिश्ड है, काफ़ी सालों से हो रहा है। नागपुर भी आज के तारीख में बहुत बड़ा सिटी हो गया है, बहुत ऊपर के लेवल तक चला गया है। तो यहाँ पे भी ये कंसेप्ट यहाँ आए, यहाँ के लोगों को उसका फ़ायदा हो, इस ये सोच रख के हमने ये क्लिनिक यहाँ पे शुरू किया है। बेसिकली अगर देखा जाए तो हमारे पास 5 यूनिट मेनली है इस रेवियो क्लिनिक में। एक है एस्थेटिक, दूसरा है ओबेसिटी, तीसरा कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी, फोर्थ वन इज प्रोक्टोलॉजी एंड फिफ्थ वन इज वेरिकोज वेन। इन सारे नामों के अंदर बहुत सारे ट्रीटमेंट्स आती है। फॉर एग्जांपल अगर एस्थेटिक्स लेते हैं तो हम चेहरे से रिलेटेड और सर के बालों से रिलेटेड सारी कॉस्मेटोलॉजी वाली प्रोसीजर्स हम यहाँ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी आपके चेहरे पे पिंपल्स आते हैं और आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, तो आपको डर्मेटोलॉजिस्ट कोई टैबलेट्स, कोई लोशंस, क्रीम्स देते हैं, जिसके वजह से आपको उतने समय के लिए रिजल्ट मिलके जैसे ट्रीटमेंट बंद होगी वापस से वो तकलीफ शुरू हो जाती है। हमारे पास प्रोसीजर्स है जो आपके रूट्स को ठीक करते हैं और रूट्स को ठीक करने की वजह से वापस आपको उस चीज़ों की तकलीफ नहीं होती। तो वैसे ही हमारे बाकी यूनिट्स है जो सेंट्रल इंडिया में न्यू है, पहली बार शुरू हुए हैं, और वो भी पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। देखिए, गायनेकोलॉजी अगर एक ले मैन या फिर एक साधारण आदमी गायनेकोलॉजी के बारे में अगर सोचता है तो उसके ध्यान में एक ही चीज़ आती है, वो है डिलीवरी या फिर यूटेरस या बच्चादानी से संबंधित कुछ बीमारियाँ। लेकिन हमने एक नया कंसेप्ट लाया है जिसको हम कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी करके कह रहे हैं। हमने पूरी दुनिया इसको कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी कहती है। होता यह है कि जैसे एक लेडी है उसको नॉर्मल चाइल्ड बर्थ हुआ है, नॉर्मल डिलीवरी हुई है, या फिर एक लेडी है जिसकी महावारी बंद हो के वो उस एज में है, तो हमारे यहाँ के कम्युनिटी में ऐसा होता है कि जब भी वो लेडी छींकती है या ज़ोर से खांसती है तो उनको यूरिन लीकेज होता है, जो एक बहुत बड़ा कारण है बार बार यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का या सफ़ेद पानी वाली तकलीफ का। तो इसके लिए भी बहुत सारी ट्रीटमेंट लोग करते हैं, टैबलेट्स खाते हैं, उससे भी थोड़ी देर के लिए आराम रहता है, बट वापस से वो ज़िंदगी को कोई ना कोई पड़ाव पे वापस से ये तकलीफें चालू होती है। तो हम इस चीज़ को डील करेंगे, इस चीज़ को ट्रीट करेंगे नॉन इन्वेजिव वे से, यानी लेजर से, जिसमें ना ही आपको एडमिट रहने की ज़रूरत है, ना ही आपको किसी किस्म के एनेस्थीसिया देने की ज़रूरत है, ना ही आपको कोई पेन होता है, ना ही आपका कहीं खून निकलता है। ये बहुत ही पेनलेस और नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर है जो वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत कॉमन है। नहीं, देखिए कैसे है, अगर आप देखेंगे कि हर चीजों में अपडेशन हो रहा है। आप पहले पैदल चलते थे, फिर साइकिल पे आए, फिर साइकिल से मोटर स्कूटर पे आए, मोटर स्कूटर से बाइक पे आए, बाइक से अभी कार चला रहे, आज हवा में उड़ रहे हैं हम वाया फ्लाइट। तो मेडिकल फील्ड का भी वैसा ही है, हर चीज़ में एडवांसमेंट होती गई है, हर चीज़ में डेवलपमेंट होते गए, और वो डेवलपमेंट हमारे लिए नहीं है, ये डेवलपमेंट है पेशेंट के लिए कि उनको सारी चीज़ें सुकून वाली हो, उनको किसी चीज़ की तकलीफ ना हो, उनको कंफर्ट मिले। आज पहले जो ऑपरेशन टाके लगा के करते थे, बहुत बड़ा पेट फाड़ के करते थे, आज वही चीज़ें लैप्रोस्कोपी से होना शुरू हो गई, आज उससे एडवांस होके लोग लेजर्स यूज़ करना शुरू हो गए। इसका फ़ायदा पेशेंट को ही है कि उनको पेन नहीं होता है, उनको अननेसेसरी एडमिट नहीं रहना पड़ता है, काम धाम बंद नहीं करना पड़ता है ना। सो दिस इज फॉर द कंफर्ट ऑफ पेशेंट ओनली, दैट्स व्हाई दीज एडवांसमेंट्स आर वेरी गुड एंड वेरी सेफ, आई कैन प्रॉमिस यू। जैसे आपने बताया कि सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक का पूरा इलाज एक ही जगह आपके होता क्लिनिक में होता है, तो अगर हम बात करें इस क्लिनिक के बारे में, तो लगभग कब से इस क्लिनिक की शुरुआत हुई है और अभी कहां-कहां इस क्लिनिक की ब्रांचेस? बेसिकली इरेवियो ये ब्रांड है जो हमने पहले स्टार्ट किया है मुंबई खारघर में 2018 में। ये सेकंड वेंचर है हमारा इरेवियो का, जो अक्टूबर 2020 में हमने स्टार्ट किया, जस्ट कपल ऑफ मंथ्स या थ्री मंथ्स बिफोर,
बट वी आर गेटिंग अ गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम द पीपल्स, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है लोगों से, जैसे जैसे लोगों को इन सारी चीज़ों के बारे में पता चल रहा है। अब एक चीज़ तो हमारे इसमें बहुत एडवांस है, ओबेसिटी। ओबेसिटी के लिए लोग इतना कतराते हैं, सर्जिकल ओबेसिटी के लिए कतराते हैं, ऑपरेशन करने के लिए, है ना, कि ओबेसिटी के लिए ऑपरेशन करने में वो वर्स्ट है, उसमें बहुत ज़्यादा दिन तक आपको लिक्विड्स लेना होता है, सब लेना होता है, इसलिए एक तो वो सर्जरी कराते नहीं, जैसे मोटे हैं वैसे मोटे रह जाते, या फिर जिम विम में जाके थोड़ा बहुत कोशिश करते, वो भी उनको बोर हो जाता, वो भी बंद करते हैं। तो हमारे पास नॉन इन्वेजिव अप्रोच है आपका ओबेसिटी फैट लॉस कराने का, जिसमें ना ही आपको एडमिट होने की ज़रूरत है, ना ही आपको कोई स्पेसिफिक डाइट करना है, कोई स्पेसिफिक एक्सरसाइज करनी है, आप जिस लेवल तक बोलेंगे उस लेवल तक हम फैट कम कर देंगे। यहाँ तक कि आप बोलेंगे कि आपके पेट के एब्स भी हमको एक्सपोज करा के चाहिए, तो हम वो एब्स भी एक्सपोज करा देंगे विदाउट एनी सर्जरी, विदाउट कीपिंग द पेशेंट एडमिटेड। जो आपने कहा कि इस तरह का आपको ओबेसिटी के ऊपर मैं ट्रीटमेंट करते, इसके कोई साइड इफेक्ट्स आने वाले समय में दिखते हैं क्या? नहीं, देखिए कोई भी चीज़ है ना, कॉस्मेटोलॉजी रिलेटेड कोई भी चीज़ है वो परमानेंट कभी नहीं रहेंगी, है ना। आप सोचेंगे कि मैं आपको गोरा कर दे रहा हूँ तो मैं जिंदगी भर गोरा रहूँ, ऐसा नहीं है। आप मैं आपको गोरा कर देने के बाद आप धूप में खड़े रहेंगे सूरज के सामने तो वो अल्ट्रावायलेट रेड से आप टैन हो ही जाएंगे, वैसे ही ओबेसिटी का है। मैं एक हद तक एक लेवल तक आपको आपका फैट लॉस तो करा दूंगा, लेकिन आप जाके रोज अगर 4 प्लेट समोसे खा रहे होंगे तो वो फैट बढ़ना ही बढ़ना है, तो आपको उसको मेंटेन करके रखना होता है, वो जो भी कॉस्मेटोलॉजिकल चीज़ें उनको मेंटेन करना होता है, और उसमें हम आपको आपके साथ रहते हैं, हम आपको उस तरीके की एडवाइसेस, उस तरीके के डाइट चार्ट्स प्रोवाइड करते हैं जो आपको इजी हो लेने में और आप मेंटेन के मेंटेन भी रहे। अगर लोगों की बात की जाए तो लोगों में एक धारणा बन चुकी है कि कोई भी बीमारी अगर होती है या कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके लिए गोलियां खाना ही सॉल्यूशन समझते हैं लोग। ओके, लेकिन आपका बेस है कॉस्मेटिक, तो क्या कहेंगे, किस तरह से लोगों को बताएंगे? सिख देखिए, गोलियां खाना ये गलत नहीं है, ये वर्स्ट भी नहीं, इससे ऐसा नहीं है कि आपकी बीमारी ठीक नहीं होती है, लेकिन मुझे बताइए आप गोलियां उस चीज़ के लिए खाएंगे जो बीमारी गोलियों से ठीक होने लायक है, जो बीमारी गोलियों से ठीक होने लायक है ही नहीं उसके लिए अननेसेसरी वो गोलियों से पेट भरने का कोई सेंस नहीं बनता है। तो हर बीमारी का, हर ट्रीटमेंट का एक इंडिकेशन है, उस इंडिकेशन के साथ अगर हम जाएंगे तो आपको रिजल्ट्स भी अच्छे मिलेंगे और जल्दी भी मिलेंगे। बात करें डॉक्टर साहब तो आप लगभग कितने सालों से प्रैक्टिस में हैं, और आपकी तरफ जब कोई ऐसा दुखी शरीर आता है या परेशान शरीर आता है उसको आप ठीक करके वापस भेजते हैं, किस तरह की खुशी आपको महसूस होती है? देखिए मैं 2015 से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन 2015 में कंप्लीट हुआ और तब से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ जनरल सर्जरी में। मैंने देखा है, मैंने हर्निया ऑपरेट किया है, मैंने अपेंडिक्स किया है, मैंने बहुत सारे जनरल सर्जरी रिलेटेड सर्जरीज की है, बट ये वो खुशी है, कॉस्मेटिक ये खुशी है, तुम किसी को अगर खूबसूरत बना दो तो वो खुशी जो रहती है वो बहुत अलग लेवल की रहती है। मैं नाम नहीं शेयर करता, बट जो हमारे पास एक ट्रीटमेंट है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या प्रीमेच्योर इजेकुलेशन के लिए, एक XYZ पेशेंट थे जो परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे एट द एज ऑफ 35 to 40, वो परफॉर्म ही नहीं कर पाते थे, तो उनको हमने एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉकवेव थेरेपी दी जो जिसके हमको 6 सेशंस करने होते हैं महीने में एक सेशन, 3 सेशन के बाद वो पेशेंट ने परफॉर्म करना शुरू किया, वो इतने खुश थे कि वो जाते वक्त मेरे पैर छूके गए। ये खुशी बहुत ज़रूरी होती, ये पेशेंट को ये खुशी देना बहुत ज़रूरी होता है, और जब पेशेंट खुश होता है तो डॉक्टर वैसे ही अपने आप बहुत खुश होता है। चैनल के माध्यम से नागपुर वासियों को क्या संदेश आप देना चाहेंगे? देखिए ये जो क्लिनिक मैंने स्टार्ट किया है, जो ट्रीटमेंट्स मैंने स्टार्ट की है, वो सेंट्रल इंडिया में कहीं नहीं होती है, ना इसके इक्विपमेंट्स किसी के पास है, और फिर लोगों के लिए या पेशेंट के लिए बेस्ट इसलिए है कि आपका डाउन टाइम बहुत कम है। डाउन टाइम कम है मतलब ना आपको 3-4 दिन की ऑफिस को छुट्टियां लेके एडमिट होना है, ना आपको दर्द के मारे बहुत दिनों तक परेशान होना है, आपको सिर्फ दिन में का 1 घंटा यहाँ निकाल के आना है, अपनी प्रोसीजर करके घर जाना है, और आपको जो रिजल्ट्स चाहिए वो रिजल्ट्स हम उसमें दे देंगे। ये मतलब ना ही कोई पेन, ना ही एडमिशन, ना ही ऑफिसेस को छुट्टी, सारी चीजें आपके कंफर्ट से होंगी। सर आप मुझे बताइए, अगर किसी भी
बीमारी संबंधित है, किसी भी तकलीफ से संबंधित, अगर किसी को आपसे संपर्क करना अगर हो तो किस तरह से आपसे संपर्क कर सकते हैं? देखिए हमारे यहाँ पे इरेवियो क्लिनिक में चेहरे से रिलेटेड एस्थेटिक, ओबेसिटी, कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी, प्रोक्टोलॉजी, पाइल्स फिशर फिस्टुला या वेरिकोज वेन, इनकी सारी ट्रीटमेंट लेजर से की जाती है जो पेनलेस है। इसके लिए अगर आपको हमें कांटेक्ट करना है तो आपको मेरे क्लिनिक का एड्रेस है इरेवियो क्लिनिक, हनी अर्जुन कौशल्या कॉम्प्लेक्स, सेकेंड फ्लोर, सेंट्रल एवेन्यू, टेलीफोन एक्सचेंज चौक, नागपुर। और आपको मोबाइल पे कांटेक्ट करना है तो आप कॉल कर सकते हैं 7507200800 पे।